लोकसभा के चुनाव को खत्म होने के बाद जो कांग्रेस पार्टी में एक भूसाल सा देखने को मिला, विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे को लेकर, जिसको लेकर हम आपको ले चलते हैं दिल्ली के 12 डुगलक रोड, जहां पर राहुल गांधी का निवास साधन है। वहां पर हम आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस पार्टी द्वारा राहुल गांधी के इस्तीफे को लेकर विरोध जताया जा रहा है। यूथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद यादव के नेतृत्व में, हम आपको बता दें कि पूरे देश से यूथ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों की एक बुलाकर बैठक की गई। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि राहुल गांधी जो इस्तीफे की बात कर रहे हैं उसे का विरोध किया जाए। विशेष तौर पर हमको बता दें कि केशव चंद यादव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस पार्टी के, उनके नेतृत्व में वहाँ पर प्रदर्शन किया गया और राहुल गांधी जो इस्तीफे का वहाँ पर बात चली, उसके बाद उसका विरोध करते हुए नजर आए। यहाँ पर हम आपको बताइए कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा था वहाँ पर युवाओं को संबोधित किया और कहा कि राहुल गांधी तक की इन सारी बातों को पहुँचाने का कार्य करेंगे। जिसमें हम आपको बता दें कि सबसे पहले केशव चंद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो यूथ कांग्रेस पार्टी के, उनके नेतृत्व में यह विरोध जताया जा रहा था। जहाँ पर हम आपको बता दें कि मनीष चौधरी जो कि ऑल इंडिया सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हमारे चैनल से वार्तालाप किया और साथ ही साथ भिवंडी शहर की कई टीम वहाँ पर गई हुई थी। जैसे कि हम आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अरफात खान, जावेद शेख जो कि भिवंडी शहर के उपाध्यक्ष हैं, अजहर मजहर पूर्व नगर सेवक, ये सारे लोग भिवंडी से वहाँ पहुँचे और जहाँ इस विरोध प्रदर्शन में हम कह सकते हैं कि जो राहुल गांधी जो इस्तीफे की बात कर रहे हैं उसका विरोध करते हुए सभी लोग नजर आए। आपको दृश्य दर्शा रहे हैं दिल्ली की तुगलक रोड जो कि राहुल गांधी का निवास साधन है, उसके समक्ष की देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी वहां पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। विशेष तौर पर हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी मनीष चौधरी और भिवंडी शहर कांग्रेस पार्टी के युवा अध्यक्ष अरफात खान ने इसके बारे में जानकारी देते हुए क्या कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट को। आज पूरे देश का युवा राहुल जी के द्वारा लिए गए निर्णय, इस्तीफा देने के निर्णय के वापस लेने के पक्ष में इकट्ठा हुआ है। पूरा देश का युवा चाहता है, पूरी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राहुल जी का कुशल नेतृत्व लगातार इनको मिलता रहा है, जिसके कारण कांग्रेस मजबूत हुई है। जीत हार एक हमारा सिस्टम है, लेकिन राहुल जी का कुशल नेतृत्व, राहुल जी की विचारधारा की लड़ाई, राहुल जी की सोच, राहुल जी के विकासवादी व्यक्तित्व इस देश को चलने की जरूरत है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज पूरे देश का युवा राहुल जी के बंगले पर आके उनसे उम्मीद लगाए बैठा है कि आप अपना निर्णय वापस लें और एक बार पुनः कांग्रेस की बागडोर संभाल लें, क्योंकि आप के नेतृत्व में इस विचारधारा की लड़ाई में हम लोग फिरका फर्ज ताकतों को दूर फेंक पाएंगे और कांग्रेस के माध्यम से देश का जो 60 वर्षों का जो विकास हुआ है आने वाले समय में भी विकास की गवर्नमेंट की जो गाथा लिखेंगे। आज हम लोग यहाँ पर जमा है तुगलक रोड पर राहुल जी के निवास के पास। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से यूथ कांग्रेस के लोग यहाँ पर राहुल जी के निवास पर पहुंचे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग ये राहुल जी से अनुरोध कर रहे हैं कि राहुल जी जो इस्तीफा दिए हैं वो इस्तीफा को वापस लीजिए और आने वाले वक्त में हमें आपकी अध्यक्षता में हम लोग काम करेंगे, आप हो तो हम हैं, ये संदेश हम लेकर के राहुल जी को तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए तमाम यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आप देखे होंगे, हजारों की तादाद में लोग आए हैं, यही एक मैसेज देने के लिए कि राहुल जी आप हो तो हम हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज टीवी न्यूज़। धन्यवाद।